शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जानिब से एक डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाया है, लेकिन इसके साथ कोई मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक नहीं। जब से वो लंदन गए हैं इनके प्लेटलेट्स का भी कुछ नहीं। नवाज शरीफ जिस इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, क्या उनका वो इलाज हुआ है? पंजाब के मेडिकल बोर्ड को इन सवालात के जवाब का इंतजार है। मौवन खसूसी ने नैब की रिकवरी और कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। लेकिन उसके ऊपर मामला ये है कि तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है, उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं पंजाब गवर्नमेंट को, वो उसमें रिपोर्ट कोई नहीं है। उसमें एक डॉक्टर लॉरेंस हैं, उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसको मेडिकल बोर्ड ने रिव्यू किया है, और वो एक बड़ा जेनेरिक किस्म का मेडिकल सर्टिफिकेट है। और उसके ऊपर जो पंजाब का मेडिकल बोर्ड है, उसने ये अपनी इनिशियल असेसमेंट दी है कि उसके अंदर कोई इसके साथ मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, वो मुंसलिक नहीं हैं। और कुछ उन्होंने स्पेसिफिक सवालात भी किए हैं इनकी लीगल टीम से भी और नवाज शरीफ साहब से भी, उनका जवाब नहीं आया। 2 रिमाइंडर्स उनको दिए जा चुके हैं कि आप काइंडली अपनी, क्योंकि देखिए हुकूमत किसी तरह से भी यहाँ पे कोई अनरीजनेबल्स नहीं दिखाना चाहती, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि वो उस मेडिकल बोर्ड को प्रॉपरली असिस्ट कर दें कि जिस इलाज के लिए आप गए थे वो क्या इलाज हुआ है। आपका मुख्तलिफ लैब रिपोर्ट्स, जिसमें एक अहम चीज़ आपके प्लेटलेट्स काउंट भी हैं, आपको याद होगा कि पहले उनके जो ज़ाती मालिश थे वो लम्हा ब लम्हा उनके प्लेटलेट काउंट से हमें आगाह रखते थे, लेकिन जिस दिन से वो लंदन गए हैं उस बारे में बिल्कुल ही अंधेरा है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनसे मांगी हैं मेडिकल बोर्ड ने। अब अगर वो मेडिकल बोर्ड को असिस्टेंस नहीं देते तो जाहरी बात है जो इस वक्त ऑलरेडी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही फैसला होगा। नैब की रिकवरीज पिछले सालों से बेहतर भी हुई हैं, केसेस भी मेगा केसेस सामने